Hi everyone, what's up guys? Welcome to JKSSB online tutorial. Well... जितने भी कैंडिडेट जो JKP की नोटिफिकेशन का वेट पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल इन जे एंड के पुलिस नोटिफिकेशन right? so में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू योर कॉन्स्टेबल पोस्ट वो सारी शेयर करने वाला हूं कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं कब खत्म होंगे क्या फीस है क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो सारी की सारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिए तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो चार हजार दो पोस्टें हैं कितनी पोस्ट हैं दो चार हजार दो पोस्टें भाई बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट अगर आप लोग भी सीरियस होकर काम करेंगे ना सीरियस होकर पढ़ेंगे ना मैं कहता हूं कोई भी बच्चा जो सीरियस पढ़ेगा मतलब सोच ही नहीं सकते कि वो ना सेलेक्ट हो ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो कब स्टार्ट होने वाली है फॉर्म इसके इस मंथ मतलब 30 जुलाई से फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो जाएंगे और 29 अगस्त को लास्ट डेट अगले महीने 29 को लास्ट जो है वो इसकी डेट रहने वाली है क्लियर तो नंबर ऑफ पोस्ट चार हजार दो पोस्ट है फॉर्म फिल होना शुरू होंगे तीस को और लास्ट डेट होगी ट्वेंटी नाइन अगस्त को क्लियर चले अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट uh, चीजों की फोर्टली आपका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए भाई आप तो, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके okay, चलिए अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एज लिमिट एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ओपन में मिनिमम अठारह और मैक्सिमम अट्ठाईस होनी चाहिए ठीक है बाकी एससी एसटी एसटी आरबीए एलसी इन आरबीएलसी सबके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 जो है वो होनी चाहिए ठीक है और सेम मैक्सिमम यही रहने वाला है बट हाँ एस पी ओ हो गए होम गार्ड है उनके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 रखी हुई है बाकी सबका सेम ही है अच्छा ये इन पुलिस जो मतलब ऑलरेडी पुलिस में सर्विस में है उन लोगों को आ, उनके लिए जो एज है वो मैक्सिमम 30 रखी है इन्होंने ठीक है एज का पता लग गया अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन आपका जो टेंथ है वो होना चाहिए यहाँ पे क्लियर उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर फिजिकल मतलब जो भी रहेगा उसके बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 700 सौ है और वहीं पे कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 600 सौ है मतलब कैटेगरी वालों को 600 फॉर्म फिलिंग के पैसे देने हैं और जनरल वालों को सात देने हैं क्लियर है चलिए सबसे पहले सब आप सभी को पता है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा ये तो आप सभी को जानते हैं लेकिन एक और चीज जो इन्होंने मेंशन करी है वो ये कि जिन बच्चों का एन जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होंगे भाई उनको अलग से बोनस जो है वो दिए जाएंगे अलग बोनस मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे पाँच जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो उनको दिए जाएंगे जिनके पास एनसीसी सी कैट सी सर्टिफिकेट जो होल्डर है उसके बाद दो तीन जो है वो बी सर्टिफिकेट होल्डर को दो पर्सन जो है वो ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को दिया जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की यानी कि पीडी जो रहेगा इसमें मेल की जो हाइट है पांच छह मिनिमम होनी चाहिए चेस्ट जो है थर्टी टू एंड नेक्स्ट इन्होंने लिखा है फीमेल के लिए फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो पांच दो होनी चाहिए बाकी जो गोरखा कॉम्युनिटी या बूट ट्राइब्स हैं उनके लिए मतलब रिलैक्स है दो इंच का रिलैक्सेशन है उनके लिए बाकी मेल के लिए अगर हम बात करें फिजिकल में उनको रे, मतलब रेस जो है वो 1600 मीटर कवर करनी है साढ़े छः मिनट में और 20 पुशअप्स मारने हैं काउंटिंग पे और वहीं फीमेल के लिए हजार मीटर साढ़े छः मिनट में और वहीं पे उनको एक मतलब चार किलो का एक शॉर्टपुट होता है वो उनको फेंकना होता है तीन अटैम्प्ट में ठीक है तो गाइज ये थे आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता ही होगी और लास्ट में आप सबको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ये जो एग्जाम है ना बेसिकली अगर आप सच्ची में थोड़ा सा भी पढ़ गए ना थोड़ा सा भी आपने पढ़ लिया ना तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे आराम से ठीक है और बात करें इसका जो भी एग्जाम का जो लेवल होता है ठीक है एग्जाम का जो लेवल होता है बिल्कुल बेसिक होता है बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर लेना आपको पता लग जाएगा बाकी जितना भी पूछा जाता लेवल का पूछा जाता आपको बहुत हाई लेवल कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत बेसिक्स आपको पढ़ना है और अगर आप लोग इमीडिएटली इसका सारा मटीरियल चाहते हैं ठीक है आप इसका सारा मटीरियल चाहते हैं तो हम पूरे का पूरा कॉन्स्टेबल का बैच आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ टू नाइनटी नाइन सिर्फ टू नाइन में आपको पूरा कॉन्स्टेबल का जो बैच है वो मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसके डेमो वीडियो देखना चाहते हैं वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अभी मुझे मैसेज करें 7006632724 पे और मैसेज में आप जैसे करोगे आपको ऐप आप का लिंक जो है हम प्रोवाइड कर देंगे हमारी बेसिकली ऐप है जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप डायरेक्ट ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे वहीं आपको कॉन्स्टेबल का बैच जो है मिल जाएगा और आप लोग वहां पे फ्री वीडियोस जो है वो देख सकते हैं एंड अगर आपको मटेरियल चाहिए पूरा का पूरा जिसमें सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी सिर्फ टू नाइन नाइन में आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा ओलट right. तो बाकी जिन बच्चों को अगर कुछ कुछ पूछना हो कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं सेवन पे और आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको सॉल्व कर दूंगा क्लियर है बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक बाय